अनुजय नी हाय 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 अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एफडीआई के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया और वित्त मंत्री अरुण जेटली का भी पुतला फूका। आपको बता दें कि भाजपा सरकार के आने के बाद एफडीआई को लेकर विपक्ष नाराज है, जिसके चलते देश भर में वित्त मंत्री का विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में आज अहमदाबाद दिल्ली हाईवे पर आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता जमा हुए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ हाय हाय के नारेबाजी करने लगे। इनका विरोध एफडीआई को लेकर था। नारेबाजी के बाद उन्होंने अरुण जेटली का पुतला फूका और ज्ञापन भी राज्यपाल के नाम प्रेषित कर जिलाधिकारी को दिया। एफडीआई के नाम पर आन बड़ी है जान पर, एफडीआई के नाम पर आन बड़ी है जान पर, एफडीआई के नाम पर आन बड़ी है जान पर, अरुण जेटली हाय 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 हाय। आम जनता को बख्श दो, आम जनता को बख्श दो, आम जनता को बख्श दो, अरुण जेटली हाय हाय, अरुण जेटली हाय हाय, एफडीआई को बख्श दो, एफडीआई को बख्श दो। पतियों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोगों की यही पुकार नहीं चलेगी। वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय। केंद्र सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये विदेशों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये विदेशों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहते कहते अच्छे दिन कहते कहते अच्छे दिन कहते कहते अच्छे दिन। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम टॉर्च जबर सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी में जनपद मुरादाबाद का। जब किस चीज़ को लेकर आप लोग बने? ये जब से केंद्र में ये सरकार आई है मोदी जी की, तब से इसने जिससे छोटे व्यापारी हैं, मंझले व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सबको परेशान कर रखा। पहले नोटबंदी में परेशान किया, फिर GST लगाई, अब FDI लेकर आ गए। इससे छोटे जितने किसान मजदूर छोटे व्यापारी हैं सबको बहुत बड़ा नुकसान है। और अब तो जो ये नारा देते कि हम स्वदेशी अपनाओ, अब ये स्वयं विदेशी अपना रहे हैं और 100% तक FDI लाकर इस देश को बड़े पीछे धकेलने का काम इस सरकार ने किया है, जिसका आम आदमी पार्टी पुरजोर से विरोध करती है। आज हमने पुतला फूका उस पर गुब्बारी चौराहे पे वित्त मंत्री का, इसके विरोध में, और आगे भी जो प्रसन्न निर्देश मिलते रहेंगे वो कार्यक्रम होता रहेगा, चलता रहेगा। राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, आज जिलाधिकारी महोदय को अभी ज्ञापन देंगे संबंध में FDI के विरोध में। सड़कों पर निकलेंगे, विरोध करेंगे, उत्तर प्रदेश तक जाएंगे, वहाँ तक धरना, दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करेंगे इसके विरोध में।